दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi के फोन MIA2 के हवाले से। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और इसकी प्राइस क्या है पाकिस्तान में और ये रिलीज कब हो रहा है, सारा आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो आगे चल के पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आगे चल के वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन के बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। इसका यही फायदा होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा इस टाइप की, वो आप तक पहुँच जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके हम साइज की बात करते हैं। इसका साइज है 6.0 इंचेस का आपको साइज मिलेगा, जो कि फुल HD डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन जो मिलेगा वो 8.1 यानी कि डायरेक्ट ओरियो मिलेगा। इसमें आपको कोई अपडेट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, इसके अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो इसमें प्रोसेसर जो होगा वो ओक्टा कोर प्रोसेसर होगा, जो कि स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर होगा। दोस्तों, अगर हम इसकी मेमोरी और रैम की बात करें तो मेमोरी और रैम में आपको 2-3 वेरिएंट मिल जाएंगे, जैसा कि 64 GB मेमोरी के साथ आपको 4 GB या 6 GB रैम मिल जाएगी। अगर आप 128 GB मेमोरी के साथ बाय करोगे तो उसके साथ आपको 6 GB रैम मिल जाएगी, यानी कि आपको इसमें कुल मिलाकर 3 वेरिएंट मिल जाएंगे, जिनमें 64 GB मेमोरी और 4 GB रैम और या 6 GB रैम या 128 GB मेमोरी के साथ आपको 6 GB रैम मिलने वाली है। दोस्तों, इनके कैमरों की अगर हम बात करें तो कैमरे बैक में आपको 2 कैमरे मिल जाएंगे और फ्रंट में 1 कैमरा मिल जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपको इसमें 3 कैमरे मिलने वाले हैं। अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो बैक में आपको 2 कैमरे मिलने वाले हैं, जिनका अपर्चर जो होगा 1.8 का होगा और जो मेगापिक्सल होंगे 12 मेगापिक्सल का आपको कैमरे मिलने वाले हैं। अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जिसका अपर्चर भी आपको 1.8 का मिलेगा, यानी कि कैमरों की क्वालिटी MIA2 के फोन में काफी ज्यादा बेटर है। दोस्तों, अगर हम इनके सेंसर की बात करें तो इनमें जो MI के तकरीबन सारे फोन होते हैं उनमें सेंसर तकरीबन सारे ही डाले जाते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे फोन की बात करें इस रेंज में जो कि मिड रेंज में फोन होते हैं उनमें अक्सर 1-2 सेंसर वो खा जाती हैं कंपनियां, जिनमें कॉमनली खाया होता है IR सेंसर, के बारे में हम आपको बताया था पिछली वीडियो में ही कि IR सेंसर काफ़ी ज़्यादा मिड रेंज फ़ोन में आपको नहीं मिलता, लेकिन जो MI के फ़ोन होते हैं इनमें तकरीबन मिड रेंज फ़ोन में भी आपको IR सेंसर मिल रहा होता है। इसमें आपको IR सेंसर भी मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा और बाकी जो कॉमन से सेंसर होते हैं वो सारे आपको इसमें मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब हम इसकी बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी इसमें आपको जो मिलने वाली है वो नॉन रिमूवेबल बैटरी मिलने वाली है, जो कि 3010 mAh की बैटरी होगी। इसके अलावा अगर हम इसकी प्राइस की बात करें पाकिस्तान के लिहाज से तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये चाइना में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, लेकिन चाइना में जो इसका नाम रखा गया है वो MI 6X के नाम से वो रिलीज़ किया गया है, लेकिन जो पाकिस्तान में इसको रिलीज़ किया जाएगा वो MIA2 के नाम से रिलीज़ किया जाएगा। दोस्तों, इसी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जो एक्सपेक्टेड प्राइस की जा रही है वो यही है कि ये 29,000 में पाकिस्तान में रिलीज़ होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ तक रिलीज़ होगा कि नहीं होगा। जो एक्सपेक्टेड प्राइस है ये यहीं तक ही होगा, तकरीबन 29,000 रुपये में, तो इससे 1,000 या 2,000 रुपये कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम इसकी रिलीज़ डेट की बात करें तो ये पाकिस्तान में कब रिलीज़ हो जाएगा होगा दोस्तों, ये अभी थोड़ा देर लेट ही रिलीज़ होगा, क्योंकि ये जून के एंड में रिलीज़ होगा, तकरीबन 28 जून तक ये पाकिस्तान में रिलीज़ होगा, जो कि एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद ही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अगर वीडियो में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है या कुछ मेरे लिए सजेशन है या वीडियो के मतलब किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फाइनली दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।